बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की थी। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट कर दिया था, अब हम 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 1.4 में हमने क्या सीखा था? जो 1.4 में हमने सीखा था आज हम उसको अप्लाई करेंगे, और पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमें एक्सरसाइज का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है उसके अंदर हमने क्या करना है, उसने हमें कहा है कि इफ़ ए एंड बी, हमें कोई दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और कहता है कि देन फाइंड, तो फाइंड करें ए बी और बी ए, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें एक बार और फिर बी ए यानी बी को ए से मल्टीप्लाई करें इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो। देखिए मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, लेकिन मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई के अंदर ध्यान बट जाना बहुत ख़तरनाक अलामत है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। बहुत कोशिश और ध्यान के साथ आपने क्वेश्चन को करना है। अगर क्वेश्चन का ये जो मैं अब स्टेप आपको सिखाने लगा हूँ, जो स्टेप सिखा रहा हूँ, इसमें अगर आपने ज़रा सा भी अपना ध्यान दाएँ बाएँ कर लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। दूसरी बात ये कि इस क्वेश्चन के अंदर जिस मेथड से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, इस मेथड से क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत कम है, और इसमें आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले चेक भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत तो नहीं है, उसमें आपको अपनी मिस्टेक फौरन क्लियर नज़र आ जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसने हमें बताया कि अगर आपके पास एक ए हो और एक बी हो, देन फाइंड ए बी, पहले हमने ए बी फाइंड करना है, लेकिन साथ में उसने लिखा हुआ इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, हमने उसको चेक भी करना है क्या वो पॉसिबल है, मुमकिन है या नहीं। तो चलिए हम चेक करते हैं, इसका पार्ट नंबर 1 कर रहा हूँ। क्या लिखा है जी? ए बी, हमने सबसे पहले ए बी को फाइंड आउट करना है। अब ए बी फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे बेटा? ए बी, बिल्कुल जैसे हमने 1.3 में सीखा था कि ए है तो पहले ए वाले मैट्रिक्स को लिख लेंगे आप, 3 0 -1 2। उसके बाद देखें ए और बी के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? बी के साथ। बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे वो क्या है? 6 5। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं। तो पॉसिबिलिटी चेक करने का हमने क्या तरीका हमने सीखा था कल, कि हम सी आर लिख लेंगे। अगर हमारे पास सी जो है वो आर के इक्वल हो, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रोज एक दूसरे के इक्वल होंगे तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो आप देखें हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं? 2, और उसकी सेकंड की रोज कितनी हैं? 2। इसका मतलब है प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। आप यहाँ लिख दें प्रोडक्ट इज पॉसिबल। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं इसको आप देखें कि सबसे पहले आपने इसको देखें, ये क्या चीज़ है? ये एक एरो है, इस एरो के दो पार्ट्स होते हैं, एक ये और एक ये। इसको हम बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हम हेड। देखें हमने इसको मल्टीप्लाई करने से पहले ये एरोज ऐसे अपने जहन में बना लेने हैं, ये लिखने नहीं है क्वेश्चन में, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा के दे रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, टेल वाले एलिमेंट को टेल के साथ मल्टीप्लाई करना है और हेड वाले एलिमेंट को हेड से। पहले आपने इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को भी सेकंड इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करना। क्या करेंगे जी हम? 3 जो टेल वाले एलिमेंट के ऊपर, 3 जो टेल वाला एलिमेंट है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा। हम लिखेंगे 3 × 6। कोशिश करें इसको ब्रैकेट्स में लिखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इधर भी नेगेटिव का साइन होता है, इधर भी नेगेटिव का साइन होता है, तो फिर उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा बन जाती है। तो बेहतर यह है कि आप इसको ब्रैकेट्स में क्लोज करें। इसके बाद जब आप 3 को 6 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से या किसी भी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट एंट्री को मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा दरमियान में आपने प्लस का साइन लगा के फिर सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। अब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें। फिर दोबारा देखें मैंने क्या किया, फर्स्ट यानी टेल वाले एलिमेंट को मैंने टेल से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में हमेशा प्लस लगा के हेड वाले एलिमेंट को हेड से ही मल्टीप्लाई करना है। अब फिर हम क्या करेंगे, टेल वाले एलिमेंट को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, और प्लस लगा के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से। ये स्टेप करने के बाद आप अपने क्वेश्चन को देखें कि मेरे क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखें आप जब अपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको हमेशा सेकंड ब्रैकेट में एलिमेंट सेम नज़र आएंगे। देखें यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी आपको 6 नज़र आएगा, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर भी आप देखें सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ 5 है तो यहाँ पर आपको 5 नज़र आएगा। यहाँ पर आप अपनी मिस्टेक को चेक भी कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं था। अब हम क्या करेंगे, अब जस्ट हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा जी हमारे पास? 3 6 × 18। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 6 6 और 2 5 10। अब आप इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 18,
और 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो ये आपका आंसर आ गया। ये अभी हमने ए बी का प्रोडक्ट निकाला है, अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे बी ए, उसको चेक करते हैं कि उसका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। देखिए अब हम बी ए लिख लेंगे, सेकंड पार्ट बी ए, अब पहले किसको लिखेंगे बी को, बी हमारे पास क्या है 6 5 और ए हमारे पास है 3 0 -1 and 2। देखिए अब इसको भी हमने चेक करना है, तो हम इसके ये सी आर वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स देखने और सेकंड की रोज, अगर वो इक्वल हैं तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट वाले में हमने देखा कॉलम एक है, वन कॉलम, बट इट हैज टू रोज, इसमें दो रोज हैं, इसमें एक कॉलम है और इसमें दो रोज हैं, इट्स मीन रोज फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। देखिए इसको सिर्फ इतना लिखकर इसकी क्वेश्चन को इसको खत्म ना करें, बल्कि आगे इसकी रीजन भी लिखते हैं, लिखते हैं बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि कॉलम्स इक्वल नहीं है ना हमारे, कॉलम इक्वल नहीं है रोज के, तो आप लिखें बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये क्योंकि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इसलिए सिर्फ इतना सा काम करके इसको ना छोड़ें, ये पूरी लाइन लिखें ताकि आप इस क्वेश्चन के पूरे पूरे मार्क्स हासिल कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने क्वेश्चन को आपस में वैल्यूज को आपस में हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को, वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें क्या कहा है, वो कहते हैं कि आप को कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, आप इनका प्रोडक्ट निकाल दें, फाइंड द प्रोडक्ट, मैं इतना ही लिख देता हूं सिर्फ फाइंड द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद का जवाब, यानी हासिले ज़रब, उर्दू में इसको हम बोलते हैं, उर्दू में हम लिखेंगे हासिले ज़रब मालूम करें। अब हमने कैसे मल्टीप्लाई करने है? फर्स्ट पार्ट देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए मैंने आपको क्या सिखाया था अभी कुछ देर लम्हात पहले, मैंने आपको बताया था कि आपने मल्टीप्लाई करने से, अब उसने इसमें पूछा नहीं है कि प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, तो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ये प्रोडक्ट होता होगा पॉसिबल होगा। देखिए हम फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, आपने यू एरोज लगा लेने हैं और वन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है आपने 4 के साथ, दरमियान में हमेशा प्लस लगा के 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखें क्या आ रहा है, 4 1 4 + 2 0 0 1 4 4 and 2 0 0, दोनों को प्लस कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 4। एक और पार्ट देखें, इधर ही कर देता हूं, पार्ट नंबर टू में इसने लिखा हुआ है 1 2 and 5 -4। देखिए इसको भी हमने इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाइकेशन, यानी ये आपकी रो है और ये आपके पास कॉलम है, तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यानी टेल वाला एलिमेंट को, टेल से 1 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं 5 के साथ, हमेशा प्लस, दरमियान में मैंने आपको बताया था हमेशा प्लस का साइन लगाना है। अब 2 को आप -4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 1 the 5 and 2 4 the -8। देखें मैंने आपको कल मल्टीप्लाई, मैंने आपको बहुत लंबी चौड़ी वीडियो के अंदर प्रोडक्ट निकालने के और सम करने के और मल्टीप्लाई डिवाइड करने के रूल्स बताए थे, उस रूल के मुताबिक मैंने कहा था जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों के डिफरेंट साइन हो, तो हमेशा नेगेटिव साइन आता है। देखिए ये प्लस का 2 है, माइनस का 4 है, 4 2 the 8 तो आएगा, लेकिन मैंने क्या कहा था, डिफरेंट साइन हो तो हमेशा नेगेटिव का साइन आएगा, तो नेगेटिव का साइन आ गया। अब आप इस स्टेप पे देखें, ये दो नंबर हैं, ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, अब इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था दो डिफरेंट साइन हो तो उनको माइनस करना है और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगाना है। 5 में से 8 माइनस कर लें या 8 में से 5 माइनस कर लें, 3 आएगा और बड़ी रकम का साइन माइनस आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ गया। एक और पार्ट करता हूं आपको, पार्ट नंबर 4 देख लें, बिल्कुल ऐसे ही है सारे पार्ट,
सिक्स माइनस जीरो एंड फोर जीरो। देखें हम क्या करेंगे, उसी तरह रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम फोर के साथ, दरमियान में हमेशा प्लस का साइन लगाते हैं माइनस जीरो को जीरो के साथ। अब क्या होगा, सिक्स फोर द ट्वेंटी फोर और जीरो 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 हो जाएगा। माइनस का जीरो लगाएं या प्लस का लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ट्वेंटी फोर में से जीरो माइनस भी कर लें फिर भी आपके पास ट्वेंटी फोर आंसर आ जाएगा। इसके बाद मैं इसका लास्ट पार्ट कर रहा हूं, फिफ्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत दफा पेपर में आ चुका है, पार्ट नंबर फाइव, अच्छी तरह समझें ताकि नेक्स्ट आने वाले सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें रोज और कॉलम्स एक से ज्यादा हैं, वन टू माइनस थ्री जीरो सिक्स माइनस वन। इसके बाद सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास फोर फाइव जीरो एंड माइनस फोर। देखिए अब इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल वही मेथड यूज करूंगा जो मैंने अभी आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस में सिखाया है, यानी हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। इस फर्स्ट रो को हम इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा। और क्वेश्चन करने के बाद हम अपनी गलती को भी ढूंढेंगे कि क्या हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। देखिए मैं इस टेल वाले एलिमेंट को टेल से मल्टीप्लाई करता हूँ, वन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, फोर के साथ, और मैंने बताया था कि आपने हमेशा प्लस का साइन लगाना है। देखें अभी आप कुछ देर के लिए इस वाले मैट्रिक्स को और इस वाले कॉलम को और इसके नीचे वाले दोनों रोज को आप भूल जाएं, कुछ देर के लिए अगर आप इस पे हाथ रख लें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे मैंने अभी आपको करवाया, यानी इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो के साथ। देखिए ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब इस रो को हमने इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टेल वाले को टेल से, याद रखिएगा। या आपने ये सिस्टम को उसी तरह रन करना है जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में समझाया है, वन को फाइव के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है हमेशा, दरमियान में प्लस लगा के आपने टू को माइनस फोर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद ये फर्स्ट रो इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब हम इस रो के ऊपर से ये मैं निशान मिटा देता हूं, ये वैसे आपने लगाने भी नहीं है, ये अब सिर्फ आपने अपने जहन में रखकर ही इस मल्टीप्लीकेशन को करना है, और जब तक आप पूरा क्वेश्चन का ये पूरा स्टेप ना कर लें आपने अपनी तवज्जो को जरा सा भी दाएं बाएं नहीं करना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए अब फर्स्ट रो इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी, अब सेकेंड रो पर आते हैं। देखें यहाँ फर्स्ट एलिमेंट माइनस थ्री है टेल वाला और यहाँ फोर है, तो माइनस थ्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम, फोर के साथ, दरमियान में हमेशा प्लस, दरमियान में हमेशा प्लस लगाना है, और हेड वाले को हेड से यानी जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कर दें। इसके बाद ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी, अब इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस थ्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव के साथ, दरमियान में हमेशा प्लस, इसके बाद जीरो को हम मल्टीप्लाई, देखें टेल वाला एलिमेंट टेल से हो चुका, अब हेड वाले को हेड से करेंगे, जीरो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फोर के साथ। इसके बाद ये वाली रो भी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब इस रो पे आ जाएं, ये भी बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लाई होगा, और हर दफा आपको क्वेश्चन के बकिया पार्ट्स पे समझो हाथ रख लेना है, आपको क्वेश्चन ये वैसा ही नजर आएगा। अब क्या करेंगे, माइनस ये सिक्स को फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस लगा के माइनस वन को जीरो के साथ, उसके बाद सिक्स को फाइव, देखें अब ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, अब इस रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव के साथ और माइनस वन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम माइनस फोर के साथ। देखें ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन तमाम क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से देखें, और खास तौर पे जो लास्ट स्टेप होता है इसको आपने बहुत तवज्जो से देखना है, इसमें आपकी तमाम मिस्टेक्स जो है ना वो सामने आ जाती हैं। अब आप क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमारी कोई गलती तो नहीं है। देखिए एक चीज़ आप गौर से देखें, ये हर जगह पर आपके पास टू टू पेयर्स बने हुए हैं, देखें हर जगह पर दो दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। देखिए जो आप एक और मेथड भी करते हैं जिसमें आप मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो कोशिश करनी है आपने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना, आपने इस तरह करना है क्वेश्चन को। अब क्या होगा इसका फायदा, मैं आपको फायदा बताने जा रहा हूं बच्चों। देखो हर सेकंड ब्रैकेट का एलिमेंट सेम है, यहां फोर है तो यहां फोर, यहां फोर, इस सेकंड एलिमेंट में देखें जीरो जीरो जीरो, इधर भी ब्रैकेट में सेकंड एलिमेंट फाइव फाइव फाइव, इधर भी ब्रैकेट में सेकंड एलिमेंट देखें माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर, इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। अच्छा एक और चीज भी बताऊं, देखिए यहां पर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट फोर है, आपको यहां फोर नजर आएगा, ये देखें पूरा मैट्रिक्स का इधर सेकंड जो मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट एलिमेंट यहां लिखा होगा फोर फोर फोर, ये सेकंड मैट्रिक्स जीरो सेकंड एलिमेंट जीरो जीरो जीरो, ये इसका थर्ड एलिमेंट फाइव फाइव फाइव, ये इसका फोर्थ एलिमेंट माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर, आपको साफ नजर आएगा। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपके पास ये फर्स्ट मैट्रिक्स है वन टू थ्री जीरो सिक्स वन, ये आपको इसकी पहली पहली ब्रैकेट में नजर आएगा, देखिए वन टू है तो ये वन टू वन टू,
यहाँ 3-0 है तो 3-0, 3-0, यहाँ 6-1 है तो 6-1, 6-1। इस स्टेप के बाद आप अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह चेक कर लें कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है, बकिया पार्ट फिर इसके बाद कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एक वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड के अलावा मैंने प्लस माइनस के रूल्स भी सारे अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन किए थे। अब आप इसको उन्हीं रूल्स के मुताबिक मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करें। देखिए 4-1 से मल्टीप्लाई होगा, 4-1 द 4, 2-0, 0, 5-1 द 5, 2-4 द -8। देखें जब आपके पास दो डिफरेंट साइन हो, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमेशा आपके पास माइनस का साइन आता है। 3-4 द 12, यहां भी देखें माइनस का 12 आएगा, 0-0-0 ही आएगा। 3-5 द 15, माइनस का, क्यों, डिफरेंट साइन है। 4-0-0, 0 के साथ भी आप डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव का साइन लगा सकते हैं, वैसे 0-0 न्यूट्रल होता है, उसके साथ कोई साइन नहीं होता। 6-4 द 24, एंड 1-0-0, माइनस 0 ही आ रहा है यहाँ पे भी। 6-5 द 30, एंड माइनस माइनस प्लस, 4-1 द 4। अब हम इसको आपस में सॉल्व, ये हमने मल्टीप्लाई के रूल्स अप्लाई किए, अब हम इसके ऊपर प्लस माइनस के रूल्स भी अप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा 4+0 कितना आ जाएगा, 4। 5 में से 8 को माइनस कर लेंगे कितना आएगा, -3। -12+0 करेंगे तो क्या आएगा, -12। -15 ही आ जाएगा क्योंकि 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, 24 ही आ जाएगा। और 30+4 कर लेंगे तो 34 आ जाएगा। तो ये बेटा आपका आंसर निकला। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, शायद कोई एक आधा पार्ट मैंने बिल्कुल स्मॉल सा नहीं किया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी, इसकी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, उसमें भी हमने इन्हीं रूल्स को यूज़ करना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।